प्रथम तहलका न्यूज। देश में कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और इसी किल्लत को दूर करने के लिए हरियाणा प्रदेश में सरकार ने कई ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। कुछ प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं, जिनमें से कि एक अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल का प्लांट भी शामिल है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हो गया है, जिसकी क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट होगी। इसके लगने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अब तक तो ये ऑक्सीजन बाहर से मंगाकर काम चलाया जा रहा था। मेटल इंजीनियर सुनील ने बताया कि प्लांट के फाउंडेशन का कार्य शुरू हो गया है और जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट होती है उसके 2 दिन बाद ही सेटअप हो जाएगा। सर, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगा रहा है, गवर्नमेंट के लिए हमें को प्लांट प्रोवाइड कर रही है। हमारा कहने दें फाउंडेशन करके उनको प्लांट सेटअप करके देना कम्प्लीट। तो इस तरह अभी फाउंडेशन वर्क स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट होगी विद इन 2-3 डेज में प्लांट सेटअप हो जाएगा। कैपेसिटी की 1000 लीटर पर मिनट से रहेगी। वहीं इस पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनय से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन आती थी जिसे बाद में गैस में कन्वर्ट किया जाता था। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों द्वारा अब ये प्लांट लगने से लिक्विड ऑक्सीजन पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसे डायरेक्ट पाइपलाइन में डालकर यूज किया जा सकेगा। अब इस प्लांट के लगने से मरीजों को काफी फायदा मिलेगा और इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो सकेगी। ऑक्सीजन को लेकर अभी तक तो क्या था, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंक था, लिक्विड ऑक्सीजन जो लिक्विड शेप में हमारे पास आती है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मंगवाई जाती थी और उसको स्टोर किया जाता था और उसको फिर गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके पाइपलाइन के थ्रू पूरे हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता था। अब जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन की ही सप्लाई में पीछे से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई में कमी आ गई है, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयासों से यहाँ पर एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जिसे PSA प्लांट कहा जाता है वो लग रहा है, जिसकी क्षमता लगभग 1000 लीटर पर मिनट की रहेगी। जैसे ही ये प्लांट लग जाएगा तो हमारी निर्भरता लिक्विड ऑक्सीजन पर काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कम हो जाएगी और इसमें जो ऑक्सीजन होगी उसे हम स्टोर भी कर पाएंगे और साथ में उसे पाइपलाइन में डालकर डायरेक्ट मरीजों के फ़ायदे के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, इसका सिविल वर्क एक अलग एजेंसी करेगी, प्लांट उसके ऊपर सेटअप दूसरी कंपनी करेगी, उसके बाद उसको मैनिफोल्ड जो पाइपलाइन सिस्टम होता है उसके साथ जोड़ना है। ये टेक्निकल कार्य है और काम शुरू हो गया है, पूरी रफ्तार से शुरू हो गया है। अब कितने दिन में पूरा होगा। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।